शब्दों के समूह का भव्य रूप है काव्य। मानव होना भाग्य है पर कवि होना सौभाग्य। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ आपको। इस जीवन में अगर आप किसी कवि से नहीं मिलते या अगर आपका लगाव कविताओं से नहीं है, अगर आपका लगाव रचनाओं से नहीं है, तो आपका जीवन रस विहीन हो जाता है। आज आपके जीवन में रस भरने के लिए मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ आपको मिलवाने जा रहा हूँ जिन्होंने अपनी रचनाओं से ना ही केवल साहित्य जगत को एक अलग महक दी है, बल्कि अपनी रचनाओं से इन्होंने विद्यार्थियों को काफ़ी कुछ सीखने का अवसर भी दिया है। मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर नीना सैनी जी। नीना सैनी जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। थैंक यू। और मैम ने PhD की हुई एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्र में, और MA MEd भी हैं। और साथ ही साथ इन्होंने कई रचनाओं से, अपनी रचनाओं से कई किताबें भी लिखी हैं, जिसमें प्रत्येक किताबों को इनके पाठकों का प्रेम भरपूर मिला। मैम, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपनी रचनाओं के बारे में हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। देखो, हर एक दे अंदर बलवले हुंदे हन, ते उना बलवलियां नू बाहर कटन दा कोई कई वारी साधन नहीं हुंदा। कोई तो बोल के कर लैंदा ते कोई लिख के कर लैंदा। ये बलवले जड़े है समय तो समय तुहाडे अंदर जन्म लैंदे हन, ते समय तो समय चेंज भी हुंदे रहिंदे हन। अगर असी उना नू लिखना शुरू कर दईए तां ओह तुहाडी एक लिखत दा रूप धारण कर जांदे हन। सो ये जड़े सारे बलवले सी मेरे अंदर, जदों मेरे बड़े ब्रदर लाडी की डैथ हुई 83 दे विच, मेरे तो 2 साल वड्डा सी, 23वें साल दे विच, ते मन दे विच इन्ना क वियोग सी कि उहदे लई तड़फदी सी रूह मेरी, ते उस रूह तड़फदी नूं शांत करन दे लई BEd दे विच मैं 2 कवितावां लिखियां सी हिंदी विच। ते उहनां कवितावां नूं उस वेले मैगजीन च भी छपियां सी, पर पता नहीं सी कि मेरे अंदर होर बलबले भी मैं इदा लिख सकदी हाँ, जां ध्यान नहीं गया इस पासे। ते शादी हो गई ते उस तो बाद ये दौर जड़ा सी बंद हो गया। मैम, आप उन कविताओं के कुछ लाइनें क्या हमारे दर्शकों को सुना पाएंगे? बिल्कुल जी। ये कविता का नाम था भाई के नाम। भगवान के घर से बन के आए थे रिश्ते नाते, लेकिन ये सब धीरे धीरे टूट गए। किसी ने भी ना साथ निभाया, अकेली ही रह गई इस दुनिया में। माँ की ममता पहले ही लुट चुकी थी, भाई के सहारे जी रही थी। ना था मंजूर किस्मत को, भाई का सहारा भी टूट गया, अकेली ही रह गई। खिल चुका था फूल लेकिन महकना ना मिला, बगिया तो सजानी थी उसे, सजाने का वक्त ही ना मिला। कोई सहारा ना मिला, अकेली ही रह गई। बेकार ढूंढती है नजरे अंधेरे में, कहीं भूल से ही नजर आ जाए, लेकिन ये मेरा भ्रम ना जाने कब टूटेगा, और कब तक ढूंढेंगी ये नजरे, अकेली ही रह गई इस दुनिया में। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। एक आपने कविता लिखी बहमी रिश्ते, इसके पीछे क्या सोच था? बहमी रिश्ते ये विच है कि सर, कई बार तुहानू कई रिश्तियां तो बहुत आस हुंदी है, उन्हां दा बारलापन कुछ हुंदा ते अंदरों कुछ होर हुंदे आ, ते ओ रिश्ते जिहड़े आ बहमी रिश्ते बन जांदे आ, ते जिन्हां दा बहम ही रह जांदा कि ये मैनू प्यार करदे आ जां नहीं करदे, ओ बहम रह जांदा मन दे विच। मैम, जे तुसीं ओहदे कुछ बोल सुना पाओ तां जरूर साडे दर्शकां नूं बहुत पसंद आवेगा। ठीक है जी। जी। सोचती रहिंदी हाँ मैं किहो जिही हाँ, सोचां दे सागर च गुआची जिही हाँ, करां अपने आप नाल गल्लां, दिल विच हन हजारां दुखां दियां छल्लां, देख देख रिश्तियां नूं चीस जिही पैंदी, झूठ दे मखौटियां नूं देख टीस जिही पैंदी, रह अकली करां दिल नूं सवाल, सारी जिंदगी पाई रख्या इना दा जंजाल, मन होया उदास अपने आप तो, आए ना तरवासा खुद अपने आप तो, मैं ते मेरा मन दोवें ए जान दे, मैं ते मेरा मन दोवें ए जान दे, दुखां तकलीफां नूं हंडाउणा ए जान दे, मन पर आउंदा इना बहमी रिश्तियां तो, मन पर आउंदा इना बहमी रिश्तियां तो,
दिल दे के तसली कढ़िया इन्हां फस्तियां तो। क्या बात है, किहो जिही घूमण घेरी जग ने बनाई है, सारी दुनिया की रसवाई इस विच ही घुमाई है, इस विच ही घुमाई है। बहुत अच्छे मैम। और मैं अपने दर्शकों को बताता चलूं कि मैम ने सिर्फ ये एक कविता थी जिसकी चंद लाइनें हमने आपको सुनाई है, ऐसी कई रचनाएं की है मैम ने। मैम जब आपको लिखने का शौक पैदा हुआ, मतलब जब आपका इंटरेस्ट जाया कि अब आपने लिखना है, मुझे पता लगा कई किताबें लिख डाली हैं आपने। हाँ जी सर, जदों मैनू लिखन दा होया, बच्चे मेरे वड्डे हो गए, दोनों अपने अपने पढ़ाई खुद करन लग पे, मेरे को टाइम बचन लग पाया। मैं भी जॉब करती सी उस समय, मेरे को टाइम होंदा सी, जदों भी मैं अपना बैठती सी तो मेरे मन च कुछ आउंदा सी तो मैं लिखती सी, लिख लिख के पूरी कॉपी भर ली सर। तो उन्हें समझ प्लेटफॉर्म नहीं सी मिल रहा, समझ नहीं सी आ रहा इनू की करा, कभी किसी पुछती सी इनू किदा टाइप कराइए, कितों टाइप कराइए, की करिए, बड़ा कुछ किया। तो जिसले भी मन च कुछ आता सी उदो लिख लेंदे सी, क्योंकि उदो इन्ना फोन जड़ा एडवांस नहीं सी, हुण ते फोन इन्ने एडवांस हो गए, उस वेले आपां रिकॉर्ड कर लैंदे आ, उस टाइम लिख के ही काम चलदा सी। अरे क्या बात है मैम, मैंने देखी कि आपने जितनी रचनाएं लिखी उन रचनाओं में ज़्यादातर दुनिया की आज की भागीदारी को आपने सम्मिलित किया, अपने रिश्तों को आपने उसमें शामिल किया, आपने ऐसे ऐसे शब्द चुने जो कि अक्सर अपने आसपास के वातावरण को प्रेरित करती है। पर अक्सर कवि जो होते हैं वो प्रेम प्यार के बारे में लिखते हैं, उनकी गहराई को बताते हैं, उनके धोखे को बताते हैं, ऐसा कुछ आपने लिखा नहीं, इसके पीछे भी कुछ कारण है क्या खास? देखो जिहड़ा तो बंदा संघर्ष च पैंदा ना शुरू तो ही, जिस तरह कि तुहानूं मैं दस्या मेरी मदर की डैथ हो गई, फिर बड़े ब्रदर की डैथ हो गई, भी लाइफ के विच कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रही, तो इन्हां दे विच ही जिंदगी जूझती रही। प्रेम प्यार जो मिलिया मैनू वो मेरे पति तो ही मिलिया, तो उन्हां दे प्रेम प्यार बारे ही मैं गल्लां कीतियां, दूजे प्रेम प्यार दा तो पता ही नहीं लगा कित्थे सी ते कित्थे नहीं, ते कदी इदां दी समझ ही नहीं सी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सो मैम मैं चाहूँगा तुसीं एक बारी अपनी रचनावां दे बारे साडे दर्शकां नूं जरूर बताओ, ते जिहड़े इह रचना पढ़ना चाहुंदे ने उहनां नूं इह बुक कित्थे कित्थे मिल सकदी है, उह वी तुसीं साडे दर्शकां नूं एक बारी जरूर दस दिओ प्लीज़। देखो पहली किताब मेरी आई है सदरां दी हवेली, जिहदे विच शुरुआती दौर सी, मैनू नहीं सी पता किदां दीआं कवितावां लिखी दीआं, की लिखी दा, जो मन च सी लिखिया, ठीक है, वो तुसी मैनू फोन कर सकते हैं, मैं अपना नंबर सर भी देंगे, मैं भी अपना तुहानू नंबर दे दिंदी हाँ। तो दूसरी किताब है मेरी रूह दीआं पगडंडियां, ये भी मेरी काव्य रचना ही है, तो थोड़ी जी सदरां दी हवेली तो मैनू लगता थोड़े जे होर अच्छे लैवल दी होएगी। तो उस तो बाद मेरी तीसरी किताब आई है सुपनिया दे कर्जदार, जिहड़ी कि कहानियां दी किताब है, जिस दे विच जीवन दे विच रहिंदिआं, समाज दे विच रहिंदिआं, तुहानूं आले दुआले दे विच कई तरहां दे जिहड़े लोग हन मिलदे हन, उहनां दीआं कहानियां तुहानूं मन नूं टुंबदीआं हन, चंगीआं लगदीआं हन, ते तुसीं उहनां नूं किसे नूं दसणा चाहुंदे हन, उहनां दे विच कोई ना कोई मैसेज है कि तुहानूं लाइफ दे विच इदां नहीं करना चाहीदा। बाकी इह जिहड़ीआं किताबां हैगीआं तुसीं मैनूं फोन कर सकदे आ, मेरा नंबर है 7659975000, 7659975000, 7652955000। क्या बात है मैम। और ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ आज इस इंटरव्यू को करने का, सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि अगर आपके मन के अंदर कोई बुलबुला जाग रहा है तो आप उसे अमली जमा पहनाइए। आज आप उम्र के किस पड़ाव पे, ये मायने नहीं रखता, ये मायने ये रखता है कि आपके अंदर कितनी प्रतिभा है और आप उस प्रतिभा से लोगों को कितना अवगत करवाना चाहते हैं। कुछ लाइनें मैं भी सुना दूं इस इंटरव्यू में डॉक्टर कुमार विश्वास जी की। तो मैं भी उनकी फैन हूं। डॉक्टर कुमार विश्वास जी बहुत ही खूब लिखते हैं कि जहां हर दिन सिसकना है, जहां हर रात गाना है, जहां हर दिन सिसकना है, जहां हर रात गाना है, हमारी जिंदगी भी एक तवायफ का घराना है। बहुत मजबूर होकर, बहुत मजबूर होकर गीत गरीबी के लिखे मैंने, तुम्हारी याद का क्या है इसे तो रोज आना है, तुम्हारी याद का क्या है इसे तो रोज आना है। क्या बात है। सो इसके साथ ही मैं इजाजत लूंगा डॉक्टर मैम से, और मैं आपको फिर एक एक एपिसोड के माध्यम से इनकी अलग अलग रचनाओं से आपको अवगत करवाता रहूंगा। हर सप्ताह आप हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ सकते हैं और डॉक्टर मीना जी के अलग अलग रचनाओं को आप पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं इंटरव्यू के माध्यम से। आपको ये एपिसोड कैसा लगा ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। मैम मैं चाहूँगा कि आज तक की
जो सबसे फेवरेट आपकी कविता रही है, जो आपके दिल को छू गई है, आप हमारे दर्शकों को एक बार जरूर सुना दीजिए। हाँ, ये शेर है। तैनू सिजदे कीते मैं मुर्शद पौण नू, तैनू सिजदे कीते मैं मुर्शद पौण नू, तड़फण गुस्ताख अखियां तैनू मिलने नू। फिकरां दी ढेरी आपे ही ला लईए, फिकरां दी ढेरी आपे ही ला लईए, अगे रात हनेरी भावें आपे ही, मेरे नैना ने चढ़ियां लाइया ने, मेरे नैना ने चढ़ियां लाइया ने, तेरे दीदार लई बस खड़िया ने, तेरे दीदार लई बस खड़िया ने। इस तरह ही है। उन्हां राहां च फुल बिछाए मैं, उन्हां राहां च फुल बिछाए मैं, जिन्हां राहां ने मेरे लिए कंडे चुने सी, जिन्हां राहां ने मेरे लिए कंडे चुने सी, कंडे चुगदियां होईयां लहू लुहान उंगलां, कंडे चुगदियां होईयां लहू लुहान उंगलां, रब आख्या फिकर न कर बीबा, रब आख्या फिकर न कर बीबा, इन्हां राहां च तेरे लिए हुनर परोया सी, इन्हां राहां च तेरे लिए हुनर परोया सी। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत मैम। सो अखां दी गल हुई है, गल नैना दी हुई है, कुछ मैं भी कह दवां। दसा खोल के अखां दी गल की मैं, ध्यान दिओ मैम, बड़ी गहरी लाइन है इहदे विच कि दसा खोल के अखां दी गल की मैं, हो जांदियां जदों दो तो चार अखां, किसे जिंदगी दे विच लै के आउण बहार अखां, कईआं दी जिंदगी दिंदियां उजाड़ अखां, दिल दिंदियां कईआं दे तपाहे, दिल दिंदियां कईआं दे तपाहे, दिल दिंदियां कईआं दे ठार अखां, बेड़ी इश्क दी कईआं दे ला दिंदियां पार अखां, बेड़ी इश्क दियां कईआं दे दिंदियां डुबो अखां। मैं क्या डॉक्टर नीना जी, तुसी ना किते ला बैठे हो, बड़ा कर दिया ने खजल खवा रखा, बड़ा कर दिया ने खजल खवा रखा। सो दोस्तों, एक एपिसोड सी ताडे वास्ते ते तुहानू साहित्य दी दुनिया दे नाल जोड़न वास्ते। सो बहुत ही वधिया, अज साडे नाल गैस्ट होणे से डॉक्टर नीना सैनी जी। सो आपां इन्हां तों भी इजाजत लवांगे ते तुहाडे तों भी इजाजत लवांगे, पर तुहानू इक आजादी है, तुसी कमेंट बॉक्स च साडे अज दे प्रोग्राम बारे जरूर दसना, चंगा लिखो जां बुरा लिखो, तुहानू आजादी है पर लिखो जरूर। सो सानू दिओ इजाजत, तद तक लई जय हिंद जय भारत।